गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड साउथ पॉइंट स्कूल। टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ वेव्स, दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। According to Newton, actually the formula for velocity of sound is k by rho, where k is called bulk modulus of air. K is called bulk modulus of air, v is equal to under root k by rho. इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए you should know the thermodynamics and you should know the definition of bulk modulus. तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आपको दो तीन पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले आता है एक आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच विल टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज अ कंडीशन फॉर आइसोथर्मल चेंज। फिर एक आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस इन विच नो चेंज ऑफ हीट विल टेक प्लेस। इन एडियाबेटिक प्रोसेस हीट चेंज जीरो होगा एंड पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज द कंडीशन फॉर एडियाबेटिक चेंज। और गामा की वैल्यू होती है सी पी अपॉन सी वी। गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। फिर क्या कहता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। एंड बल्क मॉडुलस इज नॉर्मल स्ट्रेस एफ अपॉन ए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी। दिस इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी अपॉन वी। तो नेगेटिव साइन शोज दैट एज प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो एफ अपॉन ए हो गया प्रेशर का इक्वल, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, वी ओरिजिनल वॉल्यूम। तो के इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ टू फंक्शंस। तो फर्स्ट इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। या यू आ जाए डी फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। तो ये जो मैंने फॉर्मूले अभी डिस्कस किए हैं, वी विल यूज दिस फार्मूलाज। अगर आपको डिटेल देखनी है तो यू कैन सी द वीडियोस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द सॉलिड्स। बट अब हमें करना है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एंड वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अंडर रूट के बाई रो, वेयर के इज द बल्क मॉडुलस ऑफ एयर एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर। रो है डेंसिटी ऑफ एयर, के है बल्क मॉडुलस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जो प्रोपेगेशन है साउंड वेव का, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रीजन क्या दिया कि व्हाई दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल। ये कहता है कि साउंड वेव विल प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन। ड्यूरिंग कंप्रेशन टेम्परेचर इंक्रीज। कंप्रेशन में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर कोई आपके पैर के ऊपर पैर रख दे तो कंप्रेशन हो गया, तो आपको गुस्सा आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, यूँ याद कर लो। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन टेम्परेचर इंक्रीज एंड एक्सेस ऑफ हीट इज गिवन टू सराउंडिंग टू कीप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ड्यूरिंग रेरिफेक्शन टेम्परेचर शुड डिक्रीज
बट हीट विल बी टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग टू कीप द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। तो कहते हैं कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा, जो एक्सेस ऑफ हीट है उसको सराउंडिंग में हम दे देंगे। ड्यूरिंग रेरिफेक्शन टेम्परेचर कम होगा एंड एक्सेस एंड हीट विल बी टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग टू कीप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इज आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल लगा दो और कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव होता है जीरो। देन पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी एंड पी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी अपॉन डी वी। तो माइनस डी पी डी वी अपॉन वी एंड दिस इज कॉल्ड के बल्क मॉडुलस। तो प्रेशर जो है वो किसके इक्वल आ गया, बल्क मॉडुलस के इक्वल आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट के बाई रो एंड अंडर रूट पी बाई रो। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कम्स आउट टू बी अंडर रूट पी बाई रो, वेर पी इज द प्रेशर, रो इज द डेंसिटी। एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर तो पी की वैल्यू होती है 1.013 × 10⁵ पास्कल, यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल। डेंसिटी है 1.3 kg/m³, वैसे होती है 1.29, तो आपने ले लिया 1.3 kg/m³ इज द डेंसिटी ऑफ एयर। जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो V की वैल्यू बन जाएगी 280 m/s। तो न्यूटन ने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड है 280 m/s, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। बट एक्चुअली स्पीड क्या होती है, जो एक्चुअल स्पीड है वो होती है 332 m/s। तो 280 न्यूटन ने निकाली और एक्चुअल है 332, तो जो एरर है इसके अंदर वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 16% एरर आ गई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ओरिजिनल वेलोसिटी इनटू 100। तो एरर जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है इसके अंदर, 16% है। तो दिस एरर इज वेरी वेरी लार्ज, अगर 1 or 2% एरर होती तो काम चल सकता था, बट 16% एरर बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन ने जो कंसिडर किया वो कहीं ना कहीं गलत कंसिडर किया। अब न्यूटन ने गलती की, इसको ठीक कौन करेगा, ठीक किया लैपलेस ने। तो लैपलेस ने कहा कि न्यूटन ने जो बताया वो सारा गलत बताया। नेक्स्ट इज लैपलेस करेक्शन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के बाई रो, वेयर के इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ एयर एंड रो इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एयर। एंड अकॉर्डिंग टू लैपलेस, न्यूटन ने तो बताया था कि जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इज आइसोथर्मल। बट लैपलेस ने कहा कि इट इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू लैपलेस द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब लैपलेस ने क्या रीजन दिया इसके पीछे, इसने पहला रीजन दिया कि जो हीट जो एयर है वो इंसुलेटर है, हीट ट्रांसफर होगी नहीं, एयर इज इंसुलेटर, कंप्रेशन में ना हीट जाएगी, रेरिफेक्शन में ना हीट आएगी, तो एयर इंसुलेटर है। सेकंड उसने कहा कि जो चलो हीट ट्रांसफर हो भी रही है बट कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन कम्स सो रैपिडली देर इज नो टाइम ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। कंप्रेशन हुआ, हीट अभी ट्रांसफर होने की स्टार्ट शुरुआत ही होगी, रेरिफेक्शन आ जाएगा, फिर कंप्रेशन आ जाएगा,
तो कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन कम्स सो रैपिडली देयर इज नो टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। तो इन लॉजिक्स पे क्या बताया कि लैपलेस बोला ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, इट इज़ द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो पहला रीज़न बताया कि एयर इंसुलेटर है, दूसरा रीज़न बताया कि कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन कम्स सो रैपिडली देयर इज नो टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट, एंड फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और गामा की वैल्यू क्या बताई थी, सी पी अपॉन सी वी, और गामा की वैल्यू होती है 1.41 फॉर एयर, 1.41 इसकी वैल्यू है गामा की। सी पी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और सी वी का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर, और सी वी क्या होगा, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब सेम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, फर्स्ट इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट, और कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव जीरो। फर्स्ट इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट, दिस इज द प्रोडक्ट रूल। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो क्या बनेगा, डी एक्स पावर एन एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। मेरे पास क्या है, डी वी पावर गामा, तो गामा वी पावर गामा माइनस वन डी वी, तो ये वैल्यू यहाँ पर कर दो, पी गामा वी पावर गामा माइनस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस वी पावर गामा डी पी। तो गामा पी की वैल्यू क्या बनेगी, वी पावर गामा डी पी अपॉन वी पावर गामा माइनस वन डी वी, तो माइनस वी डी पी अपॉन डी वी, देन गामा पी इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी, एंड दिस इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। तो मैंने बल्क मॉडुलस निकाल दिया गामा पी के इक्वल, और गामा की वैल्यू होती है सी पी अपॉन सी वी। तो मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड, देख लो, तो वी का फार्मूला होता है के बाई रो अंडर रूट, और के की वैल्यू क्या है, गामा पी बाई रो अंडर रूट, रूट गामा रूट पी बाई रो, रूट 1.41, और इसकी वैल्यू है 280 मीटर पर सेकेंड, तो v कम्स आउट टू बी 332 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द लैपलेस करेक्शन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो लैपलेस ने वैल्यू निकाल दी 332 मीटर पर सेकेंड, एंड अकॉर्डिंग टू लैपलेस द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अंडर रूट गामा पी बाई। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करेगा। वी नो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गामा पी बाई रो अंडर रूट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। फर्स्ट इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इंक्रीजेज वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेज। फॉर एग्जांपल v1 बाई v2 इज इक्वल टू रो 2 बाई रो 1, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो है, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू रो 2 बाई रो 1। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, देन फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की डेंसिटी है रो एच, ऑक्सीजन की डेंसिटी है इसकी 16 टाइम्स, तो मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड की रेशियो निकालनी है, तो यूज दिस फार्मूला, वी
ऑक्सीजन अपॉन वी हाइड्रोजन इज इक्वल टू रूट हाइड्रोजन अपॉन रूट ऑक्सीजन, रो हाइड्रोजन अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू रो एच दैट इज कॉल्ड 1/16 अंडर रूट 1/4। देन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 इंटू वी नॉट। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। सेकेंड अदर इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया मॉइस्चर। आपको लगेगा एयर में जैसे मैंने वाटर ऐड हो गया, मॉइस्चर ऐड हो गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ एयर। तो एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज। और डेंसिटी कम होगी तो वी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एंड हेंस वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज डेंसिटी डिक्रीजेज, डिक्रीज होगी, इंक्रीज मत लिखना, डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेज एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज। दैट इज व्हाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर ऑन रेनी डे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर ऑन रेनी डे। जिस दिन बारिश आ रही होगी उस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और वेलोसिटी ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगी। तो सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। थर्ड इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। वी का फॉर्मूला है गामा पी बाई रो अंडर रूट। अब यहाँ से कई लोग लिखेंगे कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी इंक्रीज इफ प्रेशर इंक्रीज, बट दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी इंक्रीज होगी। मतलब प्रेशर अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो डेंसिटी भी चेंज होगी, इसलिए दोनों फैक्टर मुझे एक साथ लेने पड़ेंगे। तो क्या लिखूँगा मैं, पी वी इज इक्वल टू आर टी एंड पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी। तो वी इज इक्वल टू गामा आर टी अपॉन वी इंटू रो, वी इज इक्वल टू गामा आर टी अपॉन एम अंडर रूट। तो इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, एम मास ऑफ द मास ऑफ गैस, आर गैस कॉन्स्टेंट, गामा सी पी बाई सी वी, टी टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो वी इज कॉन्स्टेंट, तो वी भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब ये है इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट देन प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट देन प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो टेम्परेचर सेम, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी सेम। फोर्थ आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, यही डायग्राम देखो, यही क्वेश्चन देखो। V इज इक्वल टू गामा आर टी बाई एम अंडर रूट एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। एज टेम्परेचर इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर ऑन सनी डे। जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, सन ज़्यादा होगा, सनी डे होगा, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो रेनी डे में ह्यूमिडिटी की वजह से इंक्रीज होगी और सनी डे में टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज होगी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर होना चाहिए इन केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में होगा, ध्यान रखना ये आप जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, तो टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। क्लियर? नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ विंड। विंड का क्या इफेक्ट है? अब मान लें आप साइकिल चला रहे हो एंड यू आर साइकिलिंग ऑन ए रोड एंड विंड इज ब्लोइंग,
तो जो विंड का रोल साइकिल की स्पीड पे है वही विंड का रोल साउंड की स्पीड पे है. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड दिस इज द विंड वेलोसिटी. W इज द विंड वेलोसिटी, Vs इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड दिस एंगल इज थीटा. नाउ डिवाइड W इंटू टू कंपोनेंट्स. ये कंपोनेंट हो जाएगा W cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा W sin थीटा. तो नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या बन जाएगी? Vs प्लस W cos थीटा. तो नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड बन जाएगी Vs प्लस W cos थीटा. इफ थीटा इज जीरो, थीटा जीरो मतलब कोस जीरो क्या हो गया? वन. थीटा जीरो मीन्स जिस डायरेक्शन में साइकिल जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या है? विंड की स्पीड है. अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो और विंड भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो साइकिल की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो कोस जीरो, तो वी एन क्या बन जाएगा? वी एस प्लस डब्ल्यू इंटू वन, तो बन जाएगा वी एस प्लस डब्ल्यू. सेकेंड, इफ थीटा इज 180 देन कोस 180 इज माइनस वन. इफ विंड इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू साउंड, आप साइकिलिंग कर रहे हो इस साइड और विंड ब्लो कर रही है अपोजिट साइड, तो आपकी स्पीड कम करेगी विंड. तो देख लो सेम इज हेयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस डब्ल्यू इंटू माइनस वन वी एस माइनस डब्ल्यू. तो कोस 180 माइनस वन होता है तो वी एन वी एस माइनस डब्ल्यू हो जाएगा. तो जैसे साइकिलिंग करते हुए एयर आपको आपकी स्पीड को इफेक्ट करेगी, वैसे ही साउंड की स्पीड को भी इफेक्ट करेगी. तो नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? वी एस प्लस डब्ल्यू कोस थीटा. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये इसका नाम क्या है? पिच. पिच का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. पिच विल मेजर द श्रिलनेस ऑफ साउंड. श्रिलनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाई पिच. अगर किसी की आवाज़ पतली है तो पिच ज़्यादा है, आवाज़ भारी है मोटी है तो पिच कम है. रोरिंग ऑफ लोइन एंड बजिंग ऑफ मॉस्किटो, तो मॉस्किटो की जो साउंड होगी वो बहुत पतली सी तीखी होगी, तो मॉस्किटो की साउंड की पिच ज़्यादा है और लोइन की साउंड जो है उसकी पिच कम है. तो ये जो स्पीड ऑफ साउंड है वो पिच पर डिपेंड नहीं करती, पतली आवाज़ है या भारी आवाज़ है, दैट स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? नो इफेक्ट. फिर आता है एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड. एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, जो स्पीड ऑफ साउंड है इट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड. अगर आप बहुत तेज बोलना शुरू कर दो तो देर मे बी सम इंक्रीज इन साउंड, बट नॉर्मली द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड. दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. नेक्स्ट इज टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ वेलोसिटी अल्फा. टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ वेलोसिटी इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर. वेट इज टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ वेलोसिटी इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड अल्फा. वी नोट वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 degree Celsius, और 0 degree Celsius का मतलब 273 Kelvin. तो वी नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √273, इक्वेशन नंबर वन. बिकॉज वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, और टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन में. तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √273. वी इज वेलोसिटी ऑफ साउंड एट T degree Celsius, यानी कि 273 प्लस टी केल्विन. देन वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √273 प्लस टी. दिस इज द वेलोसिटी एट टेम्परेचर टी. वी टी बाई वी नोट, डिवाइड कर दो 2 को 1 से. 273 प्लस टी √273.
दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टी बाई 273 रेस टू पावर 1 बाई 2। 1 बाई 2 का मतलब अंडर रूट 273, 273 अपॉन 273 टी बाई 273, ये बन जाएगा 1 प्लस टी बाई 273 रेस टू पावर 1 बाई 2। नाउ एक्सपेंड बाई बाइनोमियल, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। दिस इज बाइनोमियल थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल 1 प्लस एक्स पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स एंड सो ऑन। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 1 बाई 2 और एक्स की वैल्यू है टी बाई 273। देन वी टी बाई वी नॉट विल बिकम इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 टी बाई 273 एंड सो ऑन। देन वी टी बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी बाई 546। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, मुझे अल्फा फाइंड आउट करना है, तो सोल्व करो इसको फर्दर। वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 546 वी नॉट प्लस वी नॉट टी अपॉन 546 वी टी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी अपॉन 546 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। देन अल्फा इज इक्वल टू वी टी माइनस वी नॉट अपॉन अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट राइजिंग टेम्परेचर, दैट इज वी नॉट अपॉन 546 एंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट इज 332 अपॉन 546। देन अल्फा इज 0.61 मीटर पर सेकेंड पर सेल्सियस, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.61 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर चेंज होगा या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज होगा देन वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। वॉच दिस वीडियो लेक्चर एंड सेंड होमवर्क टुडे पॉजिटिवली। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।